दोस्तों, हम सब यह बात जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में अजीबोगरीब चीज़ों की कोई कमी नहीं है, और हर बार साइंटिस्ट कुछ ऐसी चीज़ों की खोज करते हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है, चाहे वह खतरनाक से पल्सर हो, या फिर फिजिक्स के नियमों को तोड़ने वाले ब्लैक होल्स, या फिर यूनिवर्स के सबसे विशाल स्टार। पर सिर्फ ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट ही अंतरिक्ष में अजीब नेचर नहीं दिखाते, पर ऐसे कई प्लैनेट भी है जो कि अपने आप में बहुत अजीब है, जैसे डायमंड से बना प्लैनेट और बर्फ़ को भी लगातार पिघलाते रहने वाला प्लैनेट। इन्हीं प्लैनेट्स में से एक है सुपर अर्थ, जो कि अर्थ जैसा दिखता ज़रूर है, पर आखिर यह सुपर अर्थ है क्या, और क्या यह सुपर अर्थ हम इंसानों के लिए हमारा नया घर साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सो हेलो गाइज, विद गौरव, यू आर वॉचिंग यूनिवर्स इन माइंड, सो लेट्स स्टार्ट। सुपर अर्थ बेसिकली वो प्लैनेट्स होते हैं जिनका मास हमारे अर्थ के मास से ज़्यादा होता है, पर गैस जाइंट से इनका मास 15 से 17 गुना कम होता है। इन प्लैनेट को सिर्फ इनके मास के आधार पर ही डिफाइन किया जाता है, जबकि एटमॉस्फेयर और सरफेस की स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होता। सबसे पहले सुपर अर्थ को एलेक्जेंडर वॉल्कजन और डेले फ्राइल ने 1992 में खोजा था, जहां उन्होंने दो सुपर अर्थ प्लैनेट पोल्टरगेस्ट और प्रोबेटर को पल्सर का चक्कर लगाता हुआ पाया। फिर उसके बाद कई बार सुपर अर्थ को खोजा गया, जैसे 2005 में मेन सीक्वेंस का ऑर्बिट करता हुआ सुपर अर्थ, जिसका मास अर्थ से 7.5 टाइम्स ज़्यादा था। फिर 2008 में आज तक का खोजा गया सबसे छोटा सुपर अर्थ। पर क्या हम इंसान इस सुपर अर्थ पर रह सकते हैं, और क्या पृथ्वी की तरह सुपर अर्थ भी हमारा घर बन सकता है? तो इसका जवाब लगभग ना है, क्योंकि सुपर अर्थ को सिर्फ उसके मास के बेसिस पर ही डिफाइन कर सकते हैं, और टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, स्ट्रक्चर आदि से इसका कोई संबंध नहीं होता। पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी हो सकती है जहाँ ये सभी कंडीशन हमारे रहने लायक हो, और आने वाले फ्यूचर में हम इंसान सुपर अर्थ को अपना नया घर मान सके। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई फीडबैक हो तो भी उसके लिए कमेंट कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यूनिवर्स की आने वाली कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आता रहूँगा यूनिवर्स की कई नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड डे।